हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सादा ब्लाउज की नाप से कटिंग करना। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, इसी पे हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम नाप वाली ब्लाउज ले लेंगे और हम नाप वाली ब्लाउज के मेजरमेंट से ही इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नाप से हम दूसरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो हम आगे वाला बटन लगा लेंगे और सबसे पहले ब्लाउज का सीने का नाप लिया जाता है। तो इसका सीना 16 इंच है, तो टोटल ये जो हमारी ब्लाउज की चेस्ट है 32 की है, 16 आगे का 16 पीछे का। तो यहाँ हम पीछे वाला ही पार्ट निकालेंगे और 16 का आधा लेंगे क्योंकि हम कपड़ा डबल फोल्ड करेंगे। तो लाइनिंग वाले साइड से ही हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ 16 का आधा लेंगे, तो 16 का आधा होता है 8। तो हम 8 पे निशान लगा लेंगे और 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए कपड़ा, वही मार्जिन के लिए हम कपड़ा ले लेंगे। तो यहाँ मैं 2 इंच ले रही हूँ और ये हमारा 8 इंच का है, ये इस पर हमारी मेन सिलाई लगेगी फिटिंग वाली। और फिर से हम नाप वाली ब्लाउज ले लेंगे और अच्छे से रख लेंगे और हमेशा ब्लाउज की लंबाई का नाप पीछे से ले जाते हैं। तो पीछे से हम इसका नाप लेंगे, तो इसका जो लंबाई था 13 इंच था, तो हम यहाँ 13.5 इंच ही लेंगे क्योंकि लाइनिंग में थोड़ा सा फोल्डिंग के लिए दिया हुआ है। तो मैं वही फोल्ड कर दूँगी या 1/2 इंच सिलाई के लिए ले लूँगी। तो 13.5 पे लंबाई का निशान हम लगा देंगे। उसके बाद हम फिर से नाप वाली ब्लाउज ले लेंगे और इसके शोल्डर का नाप लिया जाता है। इसमें जो जो वीडियो में दिखा रही हूँ वही मेन होता है हमारा मेजरमेंट। तो हम शोल्डर का नाप लेंगे, तो शोल्डर है इसका 11 इंच। तो यहाँ हम 11 का भी आधा लेंगे, तो 11 का आधा होता है 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, ये हमारा शोल्डर का निशान है। और हम इसको अच्छे से मिला देंगे और हम गले की गहराई लेंगे 2.5 इंच। अगर इससे हेल्दी लोग हो तो आप 3 इंच लें, लेकिन ये पतले लोग की ब्लाउज है तो इसलिए मैं यहाँ 2.5 इंच ले रही हूँ गले की गहराई। और उसके बाद हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच का। अगर इससे ज़्यादा साइज की ब्लाउज हो तो आप 6 इंच का आर्म होल लें, लेकिन ये कम साइज की ब्लाउज है तो मैं 5.5 ले रही हूँ। और यहाँ चौकुटा निशान बना देंगे और फिर से हम नाप वाली ब्लाउज ले लेंगे और इसके पीछे का गले का मेजरमेंट लेंगे कि इसका गला कितना है। तो इसका जो गला है हमारा 9 इंच है, तो यहाँ हम 9.5 इंच ले लेंगे। गले में 1/2 इंच लिया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलाई में नहीं जाता है, तो हमारा गला बड़ा हो जाता है। तो हम 1/2 इंच लेंगे, 9.5 इंच, और यहाँ भी चौकुटा निशान बना देंगे। तो ऐसे और वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ हम फिटिंग का निशान भी दे देंगे 8 इंच पे। उसके बाद आर्म होल में हम 1/2 इंच लेंगे और वहाँ एक निशान बना के गोलाई का शेप दे देंगे। फिर हम गले में भी 1/2 इंच लेंगे और एक निशान बना के गोलाई का शेप दे देंगे। और ये हमारा पीछे का पार्ट रेडी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप याद रखें, लाइनिंग वाले कपड़े में हमेशा लाइनिंग वाले हिस्से से ही पीछे का पार्ट निकालें। तो पहले हम सिंगल पीछे का पार्ट निकाल लेंगे, फिर हम आगे का पार्ट निकालेंगे। तो पहले हम पीछे के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और ये हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आगे वाले पार्ट हम पीछे वाले पार्ट के ही मदद से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट को अच्छे से रख लेंगे आगे वाले पार्ट के कटिंग के लिए। और हमेशा पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है लंबाई में, क्योंकि इसमें प्लेट पड़ता है और बेल्ट भी लगता है और नीचे से फोल्ड भी होता है, तो इसमें 2 इंच लग जाता है एक्स्ट्रा। तो आप हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा ले पीछे वाले पार्ट से, चाहे किसी भी साइज की ब्लाउज हो। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा पे मैं निशान लगा ली हूँ। उसके बाद पीछे वाले पार्ट से हम आगे वाले पार्ट का आर्म होल बना लेंगे। और ये हमारा आर्म होल बन गया है। गला हम पीछे वाले पार्ट से नहीं बनाएंगे क्योंकि आगे का गला हमारा छोटा होता है, तो ये हम 6 इंच का लेंगे। अगर इससे ज़्यादा साइज की ब्लाउज हो तो आप 6.5 ले ले, यहाँ मैं 6 ले रही हूँ। और यहाँ भी चौकुटा निशान बना देंगे और गले में 1/2 इंच पे यहाँ भी निशान लगा के गोलाई का शेप दे देंगे।
और हम आगे के आर्म होल में हाफ इंच बढ़ा देंगे, इसलिए क्योंकि आर्म होल से भी एक प्लेट बनता है तो उसमें कपड़ा चला जाता है हाफ इंच। अब उसके बाद हम आगे वाले पार्ट में बेल्ट का भी मेजरमेंट लेके बेल्ट का भी निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट जितना भी हो आप उससे 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लें, आपकी ब्लाउज कभी बेल्ट ऊपर नीचे नहीं होगा। तो जो हमारा नाप वाली ब्लाउज का बेल्ट था 9.5 इंच पे था, तो यहाँ हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 11.5 पे निशान लगा रहे हैं बेल्ट का। 11.5 पे हम बेल्ट का निशान लगा लेंगे और इस पर एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद 1 इंच पे हम यहाँ तिरछा निशान बना लेंगे गले वाले साइड से। और ये आगे वाला पार्ट भी हमारा रेडी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको सिलाई वाली वीडियो देखनी है ब्लाउज की तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं सिलाई वाली जिससे आप अच्छे से सिलना सीख सकते हैं। और ये हमारा कटिंग हो गया है, बीच से हम कपड़े को अलग कर लेंगे दोनों पार्ट के आगे वाले को, और बेल्ट को भी हम अलग कर लेंगे दोनों बेल्ट को। और ये हमारा आगे वाला पार्ट की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है तो हम लाइनिंग वाले साइड से ही बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारा लाइनिंग वाले साइड से ही बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि 2 बाजू हमको चाहिए तो हम 4 फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद हम फिर से नाप वाली ब्लाउज ले लेंगे और इसके बाजू का मेजरमेंट लेंगे। तो इसका बाजू है 3 इंच का, तो यहाँ मैं 3.5 इंच ही लूँगी, क्योंकि ये जो आगे कपड़ा है लाइनिंग का उसको मैं दबा दूँगी, तो कपड़ा छोड़ के मैं वहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, क्योंकि बस 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और जो लाइनिंग का आगे का कपड़ा है उसको फोल्ड कर देंगे और नीचे से हम 2.5 इंच लेंगे और ऊपर के निशान से हम इसको मिला देंगे और थोड़ा सा तिरछा कर देंगे नीचे में, और हम बाजू की कटिंग कर देंगे। अगर ये आपका लाइनिंग वाला कपड़ा ना हो तो आगे थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ले ले फोल्डिंग के लिए, तुरबाई के लिए। और ये हमारा बाजू भी रेडी है। अब उसके बाद हम आगे वाले पार्ट लेंगे और उस पर टक्स का पहले निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कम साइज़ की ब्लाउज है तो इसका जो टक्स का निशान होगा 8 इंच पे होगा, तो 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और गले वाले साइड से 4 इंच ले लेंगे। और ये हमारा है टक्स पॉइंट है। अब उसके बाद हम बेल्ट के निशान डालेंगे। तो बेल्ट का निशान डालने के लिए सबसे पहले तो हम फिटिंग वाला निशान लगा लेंगे 8 इंच पे, और उसके बाद हम बेल्ट का निशान प्लेट का निशान बनाएंगे। तो नीचे वाली हमारी प्लेट मेन होती है, तो जितनी हो 8 इंच जैसे है हमारा तो उसके आधे पे 4 इंच पे लगा लेंगे, और इसकी जो लंबाई होगी 3 इंच होगी। एक बार और आप लोग सुन लीजिए, नीचे वाली जो हमारी प्लेट होती है वही मेन होती है, तो जितना कपड़ा हो उसके आधे से निशान लगाए। फिर हम गले वाले साइड से 2 इंच लेंगे और ये जो हमारी प्लेट होगी वो 2.5 इंच की होगी। फिर से हम फिटिंग वाले साइड से 2.5 इंच लेंगे और यहाँ भी एक प्लेट का निशान बनाएंगे। तो ये हमारी जो प्लेट होगी 6 इंच की होगी। फिर हम आर्म होल से 6 इंच पे एक और प्लेट का निशान बनाएंगे। इसीलिए मैं आगे वाले पार्ट में थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ली थी, क्योंकि ये प्लेट में चला जाता है 1/2 इंच, और ये हमारा प्लेट का निशान लग गया है। तो सारे प्लेट में 2-2 इंच का गैप होना चाहिए, देखिए 2-2 इंच का गैप होना चाहिए। और ये हमारा एक पार्ट पर बन गया है। और इस जो नीचे वाली हमारी प्लेट होती है वो 1 इंच गहरी होती है और बाकी प्लेट 1/2-1/2 इंच गहरी आप रख सकते हैं। तो अब ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पे भी ये सारे प्लेट के निशान बना लेंगे। तो हम दोनों पार्ट को एक दूसरे पे रख के उसको हाथ से प्रेस कर लेंगे, और ये देखिए हमारे दूसरे पार्ट पे भी निशान बन गया है प्लेट का। अब उस सारे प्लेट को हम गहरा कर लेंगे।
और ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। देखिए ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, ये हमारा आगे वाला पार्ट है, ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट का कपड़ा इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि नीचे से वो फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद ये बाजू हमारा है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।